नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रदीप, नेचुरोमेटिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर से। मैं हूं फाउंडर इन्वेंटर नेचुरोमेटिक वेलनेस मैनेजमेंट मेथड, जो कि एक नॉन इन्वेसिव ड्रगलेस साइकोयोगिक थेरेपी है, एक नई अल्टरनेटिव और कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। हम यहाँ पे बात करते हैं आठों तरह की वेलनेस कैसे प्राप्त की जाए, और आठों तरह की वेलनेस में जितनी महत्व की वेलनेस, फिजिकल वेलनेस है, इमोशनल वेलनेस है, मेंटल वेलनेस है या स्पिरिचुअल वेलनेस है, उतनी ही महत्व की बात है एजुकेशनल वेलनेस। और एजुकेशनल वेलनेस पे ही बहुत सारी वेलनेस टिकी हुई है। आज का दिन जिसको हम भारतीय वसंत पंचमी की तरह से मनाते हैं, वो एक्चुअली विद्यार्थियों का त्यौहार है, गायकों का त्यौहार है, कलाकारों का त्यौहार है, लेखकों का त्यौहार है, जो जैसी मान्यता व्यापारियों के लिए दिवाली की है, जैसी मान्यता क्षत्रियों के लिए, सैनिकों के लिए दशहरे की है, वैसी ही मान्यता कलम के सिपाहियों के लिए आज की है, वसंत पंचमी की। आज के दिन की जो महत्व वाली बात यह है कि हम पूजा प्रार्थना करते हैं माता सरस्वती की, और वही माता सरस्वती हमें विभिन्न प्रकार की ज्ञान देने वाली हैं, शिक्षा देने वाली हैं, विद्या देने वाली हैं, तो उनकी ही पूजा आज करनी होती है। सुबह आप लोगों में से काफ़ी ने कर ली होगी, लेकिन इसका कोई मुहूर्त कुछ भी हो, लेकिन आप प्रार्थनाओं में, प्रार्थना के लिए कोई समय नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। माता सरस्वती का जो मंत्र है वो है ओम एम सरस्वती एम नमः। एक बार फिर से बोल देता हूँ, ओम एम सरस्वती एम नमः। इस मंत्र का जाप करें, सिर्फ आज नहीं, आज से शुरू करें और फिर हमेशा करते रहें। अगर आपको ये वाले मंत्र में कठिनाई लगती है तो एक बीज मंत्र है माता सरस्वती का, वो है एम। जो गायक हैं, जिनको गले से, आवाज़ से कोई काम लेना होता है, उन्हें एम जरूर बोलना चाहिए। इसकी जो ध्वनि होती है शरीर में, वो गले में ही होती है और एकदम से गले में इफेक्ट पड़ता है, सूदिंग इफेक्ट, अच्छा हो जाता है गला। तो आप जो भी गले से काम लेते हैं, विद्या से जिनका लेना देना है, चाहे वो विद्यार्थी हों, चाहे लेखक हों, चाहे कोई कलाकार हों, सबको आज वसंत पंचमी की बहुत शुभकामनाएं। इन दोनों मंत्रों में से कोई एक मंत्र जो आपके लिए इजी हो, उसका पाठ करें। माता सरस्वती की ध्यान करते हुए ये वाले मंत्र 108 बार कर लें। 108 बार में पूरा चक्र हो जाता है, ऐसा माना जाता है, लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो 11 बार भी कर सकते हैं। जप करें, माता सरस्वती का ध्यान करें, वही विद्या की देने वाली है, आपको बहुत विद्या मिले, आपकी एजुकेशनल वेलनेस आपको अचीव हो, ऐसी विश करता हूँ इन्हीं कामनाओं के साथ। अगले टॉपिक के लिए फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी मंत्र पता चल जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी बातें समय से मिलती रहें। धन्यवाद।